testing, and 1, 2, 3, 4, 5, testing 1, 2, 3, 4, 5. तिरस्तुतिहो तिरस्तुतिहो सर्वशक्तिमान्यो तेजो मय परमेश्वर तिरस्तुति 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 अति उच्चैव तिरस्तुतिहो 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 वंदना हो वंदना 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 परमप्रतान्यो अति पवित्र परमेश्वर तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना उपासना 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 हृदय की गहराई से उपासना प्रभु जी उपासना 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 आराधना हो आराधना 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 अति ऊंचाई में हो आराधना 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 तेरे सारे संतों के समेत आराधना 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 हो आराधना 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 प्रभु जी सत्य में और पवित्रता में हो आराधना 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 धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 सारे आसान के लिए धन्यवाद अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद 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 प्रभु तेरे सारे उपकार के लिए धन्यवाद 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 कोटि 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 धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए मैं प्रभु जी तेरे चरणों में आता हूं जहाँ जहाँ लोग अपने अपने घर में तेरा मुख खोजता प्रभु सबों के साथ मिलकर तेरा मुख खोजता धन्यवाद की भरी चढ़ाता प्रभु बाबिदा तेरी महान उपस्थिति उतार जो जो प्रभु तेरे नाम लेकर पुकारता है तेरी आराधना करता है तेरे चरणों में बैठा वहाँ 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 तेरी महान उपस्थिति उतार तेरे पवित्र संगति में बैठकर तेरी आराधना करना चाहता तेरे वचन पर मनन करना चाहता अब पिता तो हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा ही हमें चलाए आदि से अंत तक वही हमें चलाए ताकि परमेश्वर के नाम महिमा पाए तेरे जन जहां जहां है वहां बहुत ऐसे आशीर्वाद किए जा सहायता कर हमारी आज की आराधना और हमारी प्रार्थना तेरे सम्मुख एक सुंदर खुशबूदार धूप बलिसा और एक ओम बलिस स्वीकृति पाए प्रभु परमेश्वर पिता प्रसन्न हो जा और तेरी आराधना के लिए हमें भी तू तैयार करते जा प्रभु सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को इंसान को भी तैयार कर प्रभु सारे कपट भाव को सारी कुटिलता सारी गलत बात जो मुझ में है प्रभु उसको धोकर मुझे शुद्ध कर ले पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करने के लिए तुम्हारी सहायता कर प्रभु आदि से अंत तू चला महिमा तेरी हो सदा के लिए हो लेकिन आज हमारी हो हम सारे लोगों यीशु के मीठे नाम से मांगता हूँ आप जहां जहां पर है वहां आप भी ये गीत मेरे साथ गा सकते यहोवा परमेश्वर है हम पवित्र वंश है उनके अपने आप के जन को हम है परदेशी तो है फिर भी धन्य लोग है ऐसा कोई जन जगत में और क्या आपत्ति में मोल है सुरक्षित शरण स्थान हमारा बल का स्रोती यहोवा है इसलिए सारा पृथ्वी जगमगाने लगे तो
थरथराएंगे नहीं हम कभी भी, इसलिए सारा पृथ्वी डगमगाने लगे तो थरथराएंगे नहीं हम कभी भी। यहोवा परमेश्वर है, हम पवित्र वंश है, उसके अपने वाक्य जन तो बाप है। यहाँ इस संसार में काफी निंदा पीड़ा है, जिसको हम और वीरस मान कर सकते हैं। यदि प्रभु के लिए कष्ट और क्लेश हम सहे तो महिमा धारण करके राज करेंगे। यदि प्रभु के लिए कष्ट और क्लेश हम सहे तो महिमा धारण करके राज करेंगे। यहोवा परमेश्वर है, हम पवित्र वंश है, उसके अपने आपके जन तो हम है। आगे आगे बढ़े हम, जय का झंडा लहराए, एक उसके सेना लोगों ही आवान में। जय 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 का तुरहिया ऊंचे स्वर में फूके हम, हमारे जयवंत परमेश्वर के लिए। जय 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 का तुरहिया ऊंचे स्वर में फूके हम, हमारे जयवंत परमेश्वर के लिए। यहोवा परमेश्वर है, हम पवित्र वंश है, उसके अपने आपके जन तो हम आनंद के साथ गाएंगे, आराधना करेंगे, सारा बोझ और चिंता उस पर डालेंगे। आनंद के साथ गाएंगे, आराधना करेंगे, सारा बोझ और चिंता उस पर डालेंगे। महिमा के वेग से उड़िए रहेंगे हम, और पुत्र पासे सिर किया जाएंगे। महिमा के वेग से उड़िए रहेंगे हम, और पुत्र पासे सिर किया जाएंगे। यहोवा परमेश्वर है, हम पवित्र वंश है, उसके अपने आपके जन तो हम है। परदेशी तो है फिर भी धन्य लोग है, ऐसा कोई जन जगत में और है क्या। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। ऐसे एक प्रभु दिवस के प्रभात के पहर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके मुख को खोजने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जो अपने अपने घर में और जहाँ पर भी हो, हाँ है वहाँ इस आराधना में भाग ले रहे हैं, परमेश्वर का मुख खोज रहे हैं, आपके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। और आपने जो समय निकाला उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता। मैं आप सबों का स्वागत भी करता हूँ यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम शुरू करते हैं एक भजन गाते हुए। हम भजन संहिता में से 62वां भजन गाते हैं, उसका पहला 8 वचन हम गाते हैं। Psalm 62, first 8 verses. आप जहां पर भी हैं, आपको बाइबल खोलकर मेरे साथ ये वचन गा सकते हैं। सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हो, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है,
मैं आदि न निगुण तुम कब तक एक मनुष्य पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में खुश थे। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसी अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। पिछले दिनों में से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है, जीवता पत्थर सा हमें भी, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो कोरे के सिरे का पत्थर है, उसके साथ और प्रेरितों और भौषिक दत्ताओं नींव पर बनाया जा रहा है। ये बात हमने देखा, इतना भी नहीं, ये मंदिर में बल का संतूक है, पवित्र आत्मा वास करता है, और ये मंदिर में आकर जब विनती करता, जब बिछवई करता, प्रभु सुनता, करुणा बरसाता। प्रभु ने हमें ऐसा विशेष अधिकार दिया है कि हम लोगों के लिए, मरे हुओं के लिए, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर बिछवई कर सकते। इसलिए पिछले त्योहार को हमने सुना कि मुर्दों और जीवितों के बीच में कड़ा रहने के लिए आह्वान हमने सुना, टू स्टैंड बिटवीन द डेड एंड द लिविंग, दिस इज द कॉलिंग दैट वी हैव रिसीव्ड। ये बात को हमने देख लिया, जीवित परमेश्वर के सम्मुख खड़े खड़े मरने वाले मिटने वालों के लिए बिछवाई करने के लिए प्रभु ने हमें एक विशेष अधिकार दिया है, परमेश्वर ने अपने ऊपर कृपा बरसाया है, ये बात हमने देख लिया। इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अ चाइल्ड ऑफ गॉड टू स्टैंड इन द ब्रिज, स्टैंड बिटवीन द डेड एंड द लिविंग एंड इंटरसीड फॉर देम। ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, ये बात हमने देखा। हमने पिछले दिन उत्पत्ति 50 से 18 और 21 पढ़े थे, Genesis chapter 50 verses 18 and 21। उत्पत्ति का पुस्तक 50वां अध्याय से हम पिछले इतवार को माने लिए थे। 50 का 18 में हम ऐसे पढ़ते हैं, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास। हम ये देखते हैं कि यूसुफ के भाई लोग याकूब चले जाने से, मृत्यु होने के बाद बहुत घबरा गए थे और वो डर गए थे। उनको लगा कि अभी पिताजी नहीं रहा, अभी यूसुफ उसके ऊपर, उनके ऊपर बदला ले सकता, इसलिए उन्होंने उसके पास ऐसे लोगों को भिजवा कर कहलाया कि आपका पिताजी ने, अर्थात याकूब ने, ऐसा आपसे अनुरोध करने को कहा है कि भाइयों को ऊपर गुस्सा नहीं करना और उसको उसको ऊपर बदला न लेना, और इससे बात खत्म नहीं होता। तब उसके भाई लोग आते हैं, सारे भाई लोग आते हैं और यूसुफ के सामने आकर दंडवत करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, विनती करना, बिछवई करना एक बात है, यूसुफ के चरणों में अपने आप को गिराना और उसके संग उनके हाथ के नीचे बने रहना अवश्य है। इच्छवई और प्रार्थना का लाभ पूरा पूरा मुझे उठाना है तो मुझे ये करना है
कि परमेश्वर के अति पवित्र आत्मा के अति में बने रहे, अधिकार के नीचे में बने रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अलोंग विद द ग्रेट प्रिविलेज कम्स आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं वो नहीं करता, पिछवाई का अनुग्रह को नष्ट करता, उसका एक चीज वो वचन में हमें से पढ़ते हैं, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ का प्रत्युत्तर देखो, जब कभी हम अपने आप को झुकाते हैं, ये कबूल करते कि हमें योग्यता नहीं है, जब कभी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे ऊपर करुणा और कृपा बरसाने के लिए, उसको भी पूर्णता में प्राप्त करने के लिए, मैं प्रभु के सम्मुख अपने आप को झुकाते हैं, उसके चरणों में अपने आप को बना कर रखते हैं, ये बात हमने वहां देख लिया। उसके बाद हम निर्गमन के पुस्तक में चले गए थे, एक्सोडस चैप्टर 32, निर्गमन का पुस्तक 32वां अध्याय से हम 14वां वचन पढ़ते हैं। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 14। तब यहोवा अपनी प्रजा को हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ये बात हम जानते हैं, जब मूसा ने बीच में किया, परमेश्वर की चुड़ाए हुए लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया था, परमेश्वर का क्रोध ऐसे फटक गया था, उनको मिठाने पर था, लेकिन मूसा ने विनती किया और वहां से हमने देखा कि परमेश्वर पछता है, उसने कहा कि मैं अब ये जन को मिठाएगा नहीं। मूसे के हाथ के अधीन के लोगों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए परमेश्वर तैयार हुआ था। हम उसके बाद प्रेरितों के पुस्तक में गए थे, 27वां अध्याय में से हम पढ़े थे, एक्स चैप्टर 27, वी रीड द 24th वर्स, 24वां वचन पहले पढ़ते हैं। हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। पौलुस एक कैदी था और वो अनेक कैदियों के साथ और बाकी लोगों के साथ जहाज पर थे और उसके कहने के विरोध में उन्होंने ये सफर शुरू किया था। They did not listen to Paul as he was preventing that voyage. उसके बाद भी इतने आंधी तूफान आते हैं, वो मिटने पर हैं, सब कुछ डूबने वाले डूबने पर हैं, सब कुछ नष्ट हो गया, तो भी परमेश्वर का दास विनती और बिचवई करता था। ये बात हमने पिछले इतवार को देख लिया। उसके प्रत्युत्तर में परमेश्वर उसको दूत को भेजकर ये यकीन दिलाता कि इन सारे लोगों का जीवन को मैं तुझको दूंगा, प्रभु कहते मैं तुझको दूंगा क्योंकि तूने भी चोरी किया, तू मेरा दास है, तू मेरा सेवक है। ये एक अद्भुत कृपा है हमारे ऊपर, परमेश्वर ने दिया हुआ हमारे ऊपर प्रभु ने दिया एक विशेष अधिकार है, एक कृपा है, ये हम जानते हैं। लेकिन हम आगे बढ़कर देखते हैं कि उसका 31वां वचन 31। पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। ये जहाज पर नहीं रहोगे तो तुम बच नहीं सकते। प्रार्थना तो मैंने जरूर की, बिचवाई तो मैंने जरूर किया, मैंने अपने आप को मुर्दो और जीवित परमेश्वर के बीच में खड़ा किया है और प्रभु ने मुझे प्रार्थना का उत्तर भी भेज दिया है, लेकिन बचना चाहते हो तो जहाज पर बने रहना अवश्य है। इसे हमें पता चलता है कि परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को नम्र कर पूरा पूरा समर्पण के साथ बने रहना अवश्य है। ये बात को हम देखा, आज हम ये वचन पढ़ा, ये वचन में अनेक बात है, लेकिन ये वचन आप अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर का दास कहते हैं कि मैं उसकी ओर मन लगाए रखूंगा, उसी से उद्धार होता है, उद्धार जरूर होगा और परमेश्वर से ही होगा।
My salvation will come and come from Lord God Jehovah. Yet I have to wait for his salvation. Man lagakar main rahunga. Amen. हर तरह की ऐसी प्रतिबंध को, हर तरह की प्रतिकूलता की सामना मुझे करना जरूर पड़ता है, नहीं है? मालिक कहा है लोग मुझको, मेरे ऊपर धावा करते हैं, नहीं है? हमें गिराने का प्रयास करते हैं, मुझको अपनी ऊंचाई से गिराने का प्रयास करते हैं। ये ऊंचाई का अर्थ तो हमने कई बार समझा है, प्रभु से चिपक कर रहने वाली जो अवस्था है, परमेश्वर की संगति में अपने आप को पूरा पूरा समर्पित कर कर रहा, उसके हाथ के अधीन बने रहने वाली अवस्था अति ऊंचाई का अनुभव है। जब समस्याएं आ जाता है, जब हमें डराने वाली बात आता है, दुश्मन की धमकी की सामना करना पड़ता, तब हिल जाता है। नहीं तो दुनिया का कोई आकर्षण के कारण कुछ चीज हमें मोहित करता है, तब वहां से हटने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास कहता कि मैं बने रहूंगा, मैं ऊंचाई से अपने आप को गिरने नहीं देगा, नहीं है? हम छठवां वचन में आकर कहते हैं कि सचमुच वही मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा, बने रहूंगा। कोई भी हिलाने का प्रयास क्यों ना करे, तो भी मैं बने रहूंगा, नहीं है? झुकी हुई बीत समान मैं क्यों ना दिखाई पड़े, नहीं है? गिरते हुए बाड़े के समान मेरी अवस्था क्यों ना दिखाई पड़े, मैं डिगूंगा नहीं, मैं बने रहूंगा, नहीं है? मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, वही मेरा नींव है, वही मेरा चट्टान है, वही मेरा दृढ़ चट्टान है, और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। दाऊद कहता मेरे हृदय के अंदर यह है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, प्रभु ने वायदा किया है, प्रभु ने वचन दिया है, वो आशीष का वचन है, वो शांति का वचन है, वो वचन का लाभ पूरा पूरा उठाने के लिए मैं बने रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं। इसलिए वो हमें आह्वान देते हुए कहते हैं, उस पर ही भरोसा रख के रहो, उस पर ही भरोसा रख के रहो, वो हमारा शरण स्थान है। ये बात वहां से देखते हैं। हम आगे बढ़कर कुछ कुछ वचन भजन संहिता से ही देखने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ दिन पहले मनन किए थे 11वां वचन भजन से, फ्रॉम साम 11, वी लुक एट जस्ट वन वर्स, द फर्स्ट वर्स। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहार पर उड़ जा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वालिका तो नींव हिलने वाली बात कहते हो, इट टॉक्स अबाउट द फाउंडेशंस बीइंग शेकन, द ट्रबल्स दैट ओवरवेलम मी, द थ्रेट्स दैट द एनमी हैज रेज्ड बिफोर मी are enough to shake me off my footing. लेकिन मैं नहीं उड़ूंगा यहाँ से, परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर का पर्वत से उड़ के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं बने रहूंगा। यह परमेश्वर का दास का निर्णय है, परमेश्वर का अनुग्रह को पूर्णता में पाने के लिए, परमेश्वर की वायदा को पूरा पूरा अपनाने के लिए हमें बने रहना अवश्य है। ये बात वहां से देखते हैं, नहीं तो खतरा है। हम उनके जाने को लगेगा तो तीर चलाने वाला तैयार है, नहीं है? इसलिए नहीं उड़ के जाएगी, कितना भी कुछ भी हमें आकर्षित क्यों ना करे, या कुछ भी चीज हमें धमकी क्यों ना दे, हम नहीं हिलते हैं। समाज से पढ़ते हैं हम 51 में आते हैं, 51 का 10th वर्स, 10वां वचन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद कहता, प्रभु अब ये नहीं होना मुझसे, मुझसे जो भूल हुई, मुझसे कोई इतना बड़ा अपराध मैंने किया, अब ऐसा ना हो, मुझे पता चलता उसका कारण क्या है। मुझ में आत्मा था लेकिन वो स्थिर नहीं रहता था,
अब मैंने अंदर नहीं लिया है, पवित्र आत्मा का जीव में हमेशा बना कर रखूंगा। It's not enough that you receive a visitation from the Lord or an anointing of the Holy Ghost and I am controlled by the Spirit for some time. And my prayer today is that a steadfast Spirit be within me always. उसकी प्रार्थना है स्थिर रहने वाली एक आत्मा मुझ में बने रहे, वास करते रहे, उसकी विनती है। हम उसके बाद 65 में जाते हैं, 65:4 का 14 वचन पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हम पढ़ते हैं धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु की ओर से चुन लिया जाता है कि वो उसके समीप आ सके। It's such a glorious privilege of a child of God to be called and drawn closer to God। लेकिन बात पूरा वहां बैठते नहीं है, कहते ऐसे लोग धन्य है जो निरंतर तेरे संगति में वास करते रहेंगे। सभी बार एक बात होती है, उसे चिपक कर रहना एक और बात होती है। जो उसे चिपक कर रहता उसके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो तृप्त किया जाता, आदि उत्तम पदार्थ से वो तृप्त किया जाता, स्वर्गीय भोजन से वो तृप्त किया जाता। ये बात हम वहां से सीखते हैं। उसके बाद हम 71 में आते हैं, साम 71:3 वचन, 3rd verse। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन जिसमें मैं नित्य जा सकूं, तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। परमेश्वर जो सनातन चट्टान है, अटल रहने वाला नींव है हमारा, हम उसके ऊपर हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं यदि हम निरंतर वहां वास करते रहे। परमेश्वर हमारे लिए चट्टान है, हमारी सुरक्षा का स्थान जरूर है। He's our rock of salvation. He's our rock of safety. As long as I choose to abide in Him and stay on the rock. जब तक मैं चट्टान पर बने रहेगा तब तक मैं सुरक्षित हूँ। ऐसी बात वहां से पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास की विनती है कि मैं निरंतर आता रहूं। That I may continually resort to this rock of refuge and shelter. ये बात वहां से पढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब 84 में 14 वचन में ऐसा पढ़ता है, Psalm 84, 4th verse। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। भवन में आके जाने वाले लोगों के विषय में नहीं कहता, परमेश्वर के समीप आकर विनती कर कुछ प्राप्त कर चले जाने वाले लोगों के विषय में नहीं करता। कितना भी आप मेरे लिए प्रार्थना क्यों न करें, कितना भी प्रभु मेरे ऊपर कृपा और करुणा बरसाने क्यों न चाहते, जब तक मैं निरंतर वास नहीं करता उसके मंदिर में, अर्थात पवित्र आत्मा के अधीन कलीसिया में आज्ञा पालन कर मैं बने नहीं रहता, तब तक यह आशीष पूर्णता में मैं प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात हम वहां से भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम ये मशहूर भजन 91 में जाते हैं, 91 में जाते हैं, 91 का पहला वचन पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He is not a visitor. वह ऐसे एक मेहमान की तरह नहीं आता, वो आके जाने वाला नहीं है। जो परम प्रधान के पंखों तले बने रहता है वह ही कह सकते कि परमेश्वर यहोवा मेरा शरण स्थान। वो हमारा शरण स्थान जरूर है,
लेकिन वो निर्बंध कर कर हमें खींच कर दबा के वहां बिठाना नहीं है। इट इज माय प्रिविलेज टू हाइड माय सेल्फ अंडर द शेड ऑफ हिज विंग्स एंड बी प्रोटेक्टेड एंड सेफ, बट गॉड डजंट फोर्स इट अपॉन मी। परमेश्वर की सुरक्षा और अनुग्रह मेरे ऊपर निर्बंध पूर्वक दबाया नहीं जाता। ये बात वहां से पढ़ते, उसका दूसरा वचन ऐसे कहते हैं, मैं यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। कौन कहता? परमेश्वर का दास, परमेश्वर की छावनी में अपने आप को बना कर रखता, उसके पंखों के छाव में अपने आप को सुरक्षित रखता, वहां से वो उड़कर नहीं जाता। yes. चाहे परीक्षा कितना भी कठिन क्यों न हो, दुश्मन कितना भी ज्यादा धमकी क्यों न दे, दुनिया कितना भी उसको आकर्षित क्यों न करे, वह नहीं छोड़ेगा परमेश्वर की संगति को। इसे हम वहां से पढ़ते हैं उसका 14वां वचन में, 14th verse 1-4, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर यहोवा कहता, उसने मुझसे ऐसा प्यार किया है, वो मुझसे चिपकने वाला है, इसलिए मैं कभी उसको अब उसके ऊंचे स्थान से गिरने ना दूंगा। हमने पहले वचन में पढ़ा, 62 में पढ़ा कि वो हमें हमारे ऊंचे स्थान से गिराने का प्रयास करते, दुश्मन प्रयास करता, और हमारा निर्णय है हम वही बने रहेंगे। लेकिन अब परमेश्वर यहोवा कहते, तेरे सामर्थ्य से नहीं, तेरे परिश्रम से नहीं, तेरे बल से नहीं, मैं तुझे गिरने ना दूंगा। अगर मुझ में इच्छा करते, अगर आपका हृदय का निर्णय यह है मैं बने रहूंगा परमेश्वर के संग चिपक के रहूंगा, तो प्रभु कहते तुझे तुझे छुड़ाने का पूरा पूरा जिम्मेदारी मेरी है। The onus is on me to protect you, to guard you and to guide you as long as you choose to abide under my wings, sticking close to me. मुझसे चिपक कर तू रहोगे तो तुझे चुड़ाने का पूरा पूरा जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, ऐसा परमेश्वर यहोवा कहता। हम उत्पत्ति पुस्तक से शुरू करते हैं आज भी, हम उत्पत्ति पुस्तक का 14वां वचन का 16वां वचन पढ़ते हैं, 14 अध्याय का 16वां वचन, Genesis 4:16। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पुर की ओर है रहने लगा। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हम पढ़ते कि कैन ने इतना बड़ा अपराध किया, हत्यारा बन गया, उसके खुद का भाई को अकारण उसको खत्म कर दिया उसने। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं उसकी लहू, हबेल उसका भाई का लहू धरती से विनती करता चिल्लाता। मैं विश्वास करता कि उसकी सुरक्षा के लिए विनती है, मुर्दों और जीवित परमेश्वर के बीच में लहू खड़ा, ऐसा मैं विश्वास करता, क्योंकि हम जब नया नियम में आते हैं ज्यादातर हम ये बात इब्रानियों के पुस्तक में पढ़ते हैं, आबेल की लहू से भी उत्तम बातें करने वाला लहू यीशु का लहू है, अर्थात हाबेल की लहू भी अच्छी बात करती थी। अगर वो बुरी बात करते तो वचन में ऐसा लिखता, हाबेल की लहू के समान नहीं परमेश्वर का पुत्र का लहू सही बात करता, लेकिन वहां ऐसा लिखा है हाबेल की लहू से भी उत्तम, बेटर थिंग्स। बेटर थिंग का मतलब है एक गुड है फिर वो बेटर बनता, जो कुछ अच्छा बात कहता उससे भी उत्तम बात थी यीशु का लहू कहता। ये बात मैं समझना चाहूंगा, इसलिए परमेश्वर उत्तर कराया, वो विनती का उत्तर देखते हुए उत्तर कराया और कई को समझाया, उसको कोई मिटा नहीं सकोगे, ऐसा परमेश्वर ने उसको यकीन दिलाया। तो भी वहां लिखा है वो परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर चल गया। This is the most tragic thing that can ever happen to me and you. मेरे और जीव आपके जीवन में
इससे भी ज्यादा दुख भरी कोई घटना नहीं हो सकता। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी बिछुई के कारण, बिनती के कारण परमेश्वर ने ऐसा करुणा मेरे ऊपर बरसाया, इतनी दया दिखाया, तो भी मैं उसके संगति छोड़कर चला जाता, कभी मेरे जीवन में ऐसा ना हो। The greatest privilege a child of God has is to stand between the dead and the living. But in order to remain blessed and protected, I need to stay close to the Lord, remain under the hands of the Holy Spirit or my elders. हम आगे बढ़ते हैं, हम सातवां अध्याय में आते हैं, उसका 23 से 8वां अध्याय का पहला वचन तक पढ़ते हैं, 7th chapter from verse 23 onwards to first verse of 8. क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। जगत के ऊपर न्याय किया गया नूह के समय की बात है। 150 दिन तक पानी ऐसे बढ़ते गया नहीं। ऐसे जल प्रलय में लिखा है सारे चीज मिट गया, लेकिन जो जहाज पर थे वे सुरक्षित बने रहे। इट इज नॉट व्हाट आई एम, हु आई एम, इट इज ऑल अबाउट वेयर आई एम। आप कौन है, कितना महान है, उसके आधार पर नहीं, आप कहाँ है। कहीं तो प्रभु की संगति छोड़कर चले जाते, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, लूह और उसका पूरे परिवार है, ऐसे जंगली जानवर भी है, घरेलू पशु है, पक्षियां है, सब कुछ सुरक्षित है। वाली का जो जहाज पर थे उनका सुधी लिया परमेश्वर ने। God is always concerned about those who are on board. जो जहाज पर है उसके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि निरंतर बने रहता है। ये बात वहां से पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, उसका 19वां अध्याय में आकर पहले 12 वचन पढ़ते हैं, 19th chapter of Genesis verse 12. फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है, दामाद, बेटे, बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल। सदोम गोमोरे के लिए बिछुई अब्राहम ने किया था, पिछले दिन हमने इसको प्रमाणन किया। प्रभु कृपालु है, दयालु है, अब स्वर्गदूत लोग उसको बचाने पर है, नहीं है? परमेश्वर कृपा दृष्टि की है और उसको चुड़ाने का बचाने का निर्णय लिया है और स्वर्गदूतों को आज्ञा भी दिया है, नहीं है? लेकिन जब तक वे वहां से निकलने को तैयार नहीं होते तब तक बचते नहीं। जब परमेश्वर का दूत लोगों ने उनको ये पर्वत दिखाता है, पर्वत की ओर चलने के लिए आह्वान देता, आमंत्रण देता, अगर वो वहां नहीं जाते तो छुटकारा नहीं पाता, सुरक्षित नहीं बने रहता। बिनती बिछुई करना एक बात है, परमेश्वर दया और करुणा दिखाने का निर्णय लेना एक बात है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे उसके कहना मानना अवश्य है, और जहां वो मुझे बिठाना चाहता वहां बैठना, वहां तक जाना अवश्य है। उसके 14 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, 14th verse. तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है,
पर वे अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। What a tragedy, what a tragedy. आधी रात को उसका विरोध करने वाले इतने सारे लोगों ने भीड़ लगाया है, तो भी he ventured out. Noah ventured out to caution his son-in-laws, would-be son-in-laws, so that they could be saved, they could be brought to safety. नहीं है? उनके दामाद उनकी निंदा किया, ठट्ठा उठाया, और उसके आह्वान सुना नहीं, उसके बात को ठुकरा दिया। कितना भी परमेश्वर का अनुग्रह उतारने का निर्णय परमेश्वर क्यों न लिए, कितना भी विनती परमेश्वर के संत लोग क्यों न करें, जब तक मैं परमेश्वर के कहने के आधार पर अपने आप को अर्पण नहीं करता, उसकी कहना नहीं मानता, तो मैं छुटेगा नहीं, बचेगा नहीं है। ये बात वहां से देखते वो लोग मिट गए, परमेश्वर ने नहीं मिटाया, उन्होंने अपने आप को मिटाया। नहीं है, हम उसको 16 वचन में ऐसा पढ़ते 16th verse। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। अब विरोध ना करेगा तो विरोध न करेगा तो परमेश्वर अपने महान हाथ में डालकर हमें चलाएगा, हमें ले जाएगा। सामर्थ्य नहीं है, संदेह है, डर है, तो भी जब विरोध नहीं करता हम आमीन कहता, हाँ कहता। When we do not resist and rebel, God is more than willing to lead us through, even though we have no strength in ourselves. No boldness or courage in ourselves to face the situation. ऐसी परिस्थिति की सामना करने के लिए मुझमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो भी जब मैं कहता मैं आऊंगा, मैं तेरे संग बनी रहूंगा, तो परमेश्वर के दाहिने हाथ महान हाथ बढ़ाकर मुझे चलाने को तत्पर है। ये बात हम देखते हैं। अब 26वां अध्याय, 26वां वचन पढ़ते हैं, verse 26 of 19th chapter of Genesis। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर की कहना सुनकर निकलना एक बात होती है, निरंतर चलते रहना और एक बात होती है। आमीन तो जरूर कही थी, निकल पड़ी थी, लेकिन बीच पीछे जो संपत्ति को छोड़ा है, जो आनंद और खुशी को छोड़ा है, उसको आकर्षित करने वाले कितने कितने वस्तुएं वो शहर में थे, उनका विषय में सोचकर वो पीछे मुड़कर देखी खत्म। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे जीवन में कभी ऐसा ना, परमेश्वर का आह्वान मैंने सुन लिया, उसके समूह बात कर उसके समीप आकर मैंने अपने आप को अर्पण किया, उसके संग चलते भी आया, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं चलते रहा, लेकिन बीच मैं दुनिया की चीजों से संसार की बातों से आकर्षित हुआ और पीछे मुड़कर देखा। इसलिए अब हमेशा करते यीशु के पीछे में ये गीत गाता, आप भी ये गीत गाता, यीशु के पीछे में चलने लगा, ना लौटूंगा। आमीन। I have decided to follow Jesus. There is no turning back. There is no turning back. हम आगे पढ़ते हैं। हम निर्गमन का पुस्तक में आते हैं, उसका 32वां अध्याय में आते हैं। निर्गमन का पुस्तक 32वां अध्याय का 26 से 28 तक का 32 Exodus 32, 26-28। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को खात है। ये और एक दुख भरी कहानी है। ये अध्याय से कुछ भाग हम पिछले इतवार को पढ़े थे, और हम अपने आप को बहुत उत्तेजित किया था, नहीं है,
सात से चौदह तक हम पिछले इतवार को पढ़े थे, वही अध्याय में से हम पढ़े थे, जब परमेश्वर क्रोधित हुआ, जन को बिठाने पर था तब आरों धूप दांते लेकर नहीं है, वेदी से अग्नि लेकर धूप जलाकर मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़ा हो गया, प्रार्थना किया। परमेश्वर क्रोधित होकर कहा, जब वो पर्वत से उतर कर आते थे परमेश्वर क्रोधित हुआ क्योंकि लोगों ने पाप किया, उन्होंने ऐसे सोने के बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करते थे, आराधना भी नहीं, बड़े बड़े त्योहार मनाते थे, नाचते थे, गाते थे, मनमानी करते थे। परमेश्वर क्रोधित हुआ, मूसा को कहा मैं उन्हें मिटाऊंगा। मूसा ने प्रार्थना किया, बिचवई किया नहीं है, मुर्दों और जीवित परमेश्वर के बीच में अपने आप को खड़ा किया। लेकिन जब वो उत्तर कर आया तो लोग पश्चाताप नहीं करते, लोग अपने आप को झुकाते नहीं है। परमेश्वर का दास मूसे के आज्ञा का पालन करके मूसे के हाथ के अधीन बने नहीं रहता, तब मूसा क्रोधित हुआ। मूसा कहता कौन है, यहोवा का संग रहने वाला कोई है क्या, परमेश्वर से चिपकने वाला कोई है क्या। लेवी कुल के लोग श्रापित जरूर थे तो भी उन्होंने यह निर्णय लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम परमेश्वर से चिपक कर रहेंगे, परमेश्वर का अभिषिक्त दास के हाथ के अधीन रहेंगे। उन वो लोग आया छावनी में, ऐसा संहार, ऐसे ऐसा मृत्यु, ऐसे ऐसा वध किया गया, लहू बहने लगा, 3,000 से अधिक लोगों का वध उस दिन किया गया लेवियों के द्वारा। मूसा ने प्रार्थना जरूर किया था, बिचवई जरूर किया था, वही अध्याय तुरंत बाद ये दुर्घटना घटती है। डियर बेलवत, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज एक्सॉर्टिंग अस टुडे, इज वार्निंग अस टुडे दैट even though people have prayed for us, even though God has showered his blessings upon us and shown his mercy towards us, if we do not abide close to him, if we do not submit ourselves to his counsel, we may be exposed to be perished. ab na shone ke liye chhod diya ja sakta, aise wahan se hum padhte hain, hum aage padhte hain, hum gitti ke pustak mein aate hain 17 अध्याय में देखता है, 10 से 13 तक देखता है। The book of Numbers chapter 17, 10 to 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पात्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इजरायली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए हैं, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं, जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे। हम पिछले अब तक इसका 16वां अध्याय से पढ़े थे, 16वां अध्याय का 48वां वचन हम पिछले इतवार को पढ़े थे, नंबर 48th verse we read on last Sunday। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। परमेश्वर के दास मूसा के आदेश के अनुसार आरों धूप जलाकर वेदी से अग्नि उठाकर धूप जलाकर मुर्दों और जीवितों के बीच में अपने आप को खड़ा किया, परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया नहीं है। लेकिन तुरंत बाद हम पढ़ते हैं परमेश्वर के दास के विरोध में लोग बातें करता, मुंह खोलता, परमेश्वर ने जो कृपा जो करुणा बरसाया उसको तुरंत भूलता। अब उसकी अवस्था ऐसा है, वे मिटने पर है, नाश होने पर है। मेरे प्रिय भाई और बहन, पिछले इतवार में ये सारी चीज साथ में बोलना
कठिन था, इतना समय हमारे पास नहीं था। रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑलवेज विद प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार के साथ, परमेश्वर की करुणा के साथ हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी रखा जाता है। Our responsibility is to abide by His word, to obey His commandments, and to submit ourselves to the guidance of the Holy Ghost. ये बात है। उसके जो चलाने के लिए प्रभु ने जो अभिषिक्त किया मूसा और आरों, उसके विरोध में मुंह खोलने के कारण, दोबारा मुंह खोलने के वे पूरे मिटने पर है। ये हम वहां से पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम अब व्यवस्था विवरण का पुस्तक 10वां अध्याय से 20वां वचन पढ़ता है। Deuteronomy chapter 10 verse 20। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी सेवा करना, लिपटे रहना, चिपक कर रहना। प्रभु हमसे ये उम्मीद रखता है, प्रभु दयालु जरूर है, लेकिन हम दुश्मन के सामने अपने आप को बिल्कुल बेसहारा नहीं बनाते परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर। When we move away from God's presence and from under the hand of the anointed, then we expose ourselves to the enemy. हम दुश्मन के सामने अपने आप को खुलासा कर देता है। हम उसके 22वां वचन भी पढ़ते हैं, 22। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी। कहते हैं कि मैंने तेरे पुरखों के ऊपर अनुग्रह बरसाया, उनकी कोई खासियत के कारण नहीं है, मैंने अनुग्रह बरसाया, उनको इतना बढ़ोतरी दिया। I made your fathers prosper and increase in numbers, not because of any great quality they had or any credentials they had, but because of my mercy and my grace. Wahi kripa, wahi anugrah, tumhare upar bhi barsaya jayega, agar tu parmeshwar se chipak kar rahoge, lipatte rahoge to. Ye baat Prabhu wahan hame sikhata hai. हम आगे बढ़ते हैं। हम यशया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में आते हैं, 48वां अध्याय में नजर डालते हैं, 17 से 20 तक पढ़ते हैं। यशया चैप्टर 48 वर्स 17 टू 20। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तू ने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता, तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निस्संतान उसके कणों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा जाता और न मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे हृदय की सपना देखो, मैंने जो तेरे लिए योजना बनाया है उसके ऊपर ध्यान दो। मेरे विचार कितने बहुमूल्य है और कितने बहुत से उसको जानो। ये बात प्रभु ने हमें समझाया, मैं तुझे चलाऊंगा नाश करने के लिए नहीं, लाभ के लिए। आमीन। I will prosper you, I will bless you with a great future, but you did not cooperate। तूने सहमति नहीं दिया, खास करकर तू मेरे वचन का पालन करता, मेरा आदेश को पढ़ता सुनता तो
तेरी सांस शांति नदी समान नहीं बहते, वे तुझे इतने आशीर्वाद नहीं करते थे, वे तुझे इतनी ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते थे। अभी भी मैं तुझसे कहता बाबिलोन छोड़कर आता, पीछे नहीं मुड़ना, नहीं है दुनिया की कुछ भी चीज तुझे आकर्षित न करे। अब मौका है प्रभु, और एक बार कहता बिनती सुनकर मैंने तेरे ऊपर एहसान किया था, करुणा बरसाया था, लेकिन तू मेरे संग निरंतर नहीं चला। भटकने के कारण तेरी शांति को तूने खो दिया, नहीं है, अनेक अनुग्रह को तूने नष्ट कर दिया। अभी भी सुनो मेरे पास, आज परमेश्वर का भगवान हमारे पास आता है कि उससे चिपक कर रहने के लिए, उसका संगति में बने रहने के लिए, पवित्र आत्मा का अधीन अपने आप को करने के लिए। परमेश्वर का भगवान वहां से हम पाते हैं। हम आगे बढ़कर उसका ही 59वां अध्याय से पहले दो वचन पढ़ते हैं, 59:1-2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर कहता मैं हमेशा तुझे चुड़ाने पर है, रक्षा करने पर है, सहायता करने पर है, लेकिन तूने तेरे अपराधों के कारण या मूर्खता के कारण, लापरवाही के कारण, अहंकार के कारण तूने मुझको दूर कर दिया है, मुझसे तो दूर चला गया, दूर चला गया। अब मेरे द्वार को वही पुस्तक से 58वां अध्याय का पहला वचन पढ़े थे, गला का अध्याय 58:1। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। बिछवाई करने वालों से परमेश्वर का सलाह ये था, आदेश ये था, नरसिंगा फूके फूके लोगों को कहा पश्चाताप कर, अपने अपराधों के ऊपर पश्चाताप कर, पापों के ऊपर पश्चाताप कर, विनती कर, ऐसे लोगों को समझा, चिल्ला चिल्ला कर कहो, नहीं है, exhort the people, call the people to repentance. That was the cry of heaven. लेकिन वो ना होने के कारण 59वां अध्याय में वो कहते मैं हाथ बढ़ाने पर हूँ, मैं करुणा दिखाने पर हूँ, लेकिन तुम उसको स्वीकारने की अवस्था में नहीं है। ऐसा ना हो when heaven is all willing to shower its choices of blessings upon me, I am not found ready to receive. उसको स्वीकारने की अवस्था में मैंने अपने आप को नहीं रखा, ऐसे स्वर्ग विलाप करने का मौका मैं नहीं दूंगा। अगर मैं पिछले द्वार का भाषण ऐसे ही खत्म कर देता तो मैं अर्ध सत्य सुनाता। I would not have been true to the word of God if our meditation concluded with last Sunday sermon. हम उसमें और एक वचन पढ़ना चाहिए, नहीं 59वां का 20वां वचन। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी। वैसे यहोवा कहता है मैं नहीं छोड़ता, मैं नहीं बदलता, मैं परमेश्वर यहोवा हूं। He's the same unchanging God who says, I have not gone back on any of my promises. If only you would repent and come. Amen. पश्चाताप करोगे, मेरे समीप अपने आप को लेकर आओगे, मुझसे चिपकने का निर्णय लोगे, निपटे रहोगे तो आशीष बरसाया जाएगा, नहीं दोबारा बनाया जाएगा, आशीर्वादित किया जाएगा। यह वायदा प्रभु हमसे करता है, हमें देता है। हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक में चले जाते हैं, 9वां अध्याय में जाते हैं, 12 वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 9:12। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे, देश का नाश क्यों होगा, क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया
कि उसमें से होकर कोई न चलता? परमेश्वर ये हुआ करता है, बुद्धिमानी से काम, समझदार बने, जानना चाहोगे क्यों इतना नाश हुआ, इतना कष्ट क्यों हो रहा, इतना जीवन में पराजय क्यों है? कहते कि मुझसे अपने आप को हटाया है उसका कारण है, मेरे उपस्थिति को छोड़ने के कारण, मेरे हाथ के अधीन ना बने रहने के कारण यह हुआ। ऐसा परमेश्वर हमें याद दिलाता, स्मरण दिलाता। उसका 13वां वचन भी पढ़िए। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले। परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं किया, अपने मनमानी से चलने लगा। इसलिए नहीं कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं लगा, इसलिए नहीं कि स्वर्ग का निर्णय था नहीं कि मुझे अनुग्रह न करे, आशीषित न करे, परंतु मैंने उसका वचन को तोड़कर, उसकी उपस्थिति को छोड़कर मेरी मर्जी के अनुसार चलने लगा, नहीं है इसके कारण है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसका 19वां वचन पढ़ते हैं, वही अध्याय का जेरेमिया चैप्टर 9:19 वर्स। सियोन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए। ये सियोन के विलाप है, देश छोड़कर चले गए। परमेश्वर का वचन कहते बने रहो, निरंतर वास करो, नहीं है मेरे वचन का पालन करो, नहीं है पवित्र आत्मा के निर्देशन के अधीन अपने आप को बना। की बात है, पिछले इतवार को हम वही अध्याय से पहला 3 वचन पढ़े थे, जेरेमिया 9 चैप्टर 1-3, दिस इज व्हाट वी रेड वन लास्ट संडे। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। परमेश्वर के संग रोने के लिए परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह तैयार था, नदी समान आंसू बहाते फुट फुट कर रोते हुए परमेश्वर के जन के लिए वो बिचवाई करता। यीशु के संग अनेक संत लोग आज भी ऐसे रोते हुए बिचवाई करता, लेकिन उसका पूरा अनुग्रह और लाभ उठाने के लिए मुझको अपने आप को झुकाना है, प्रभु के हाथ का अधीन बने रहना है, पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पण करना है, नहीं है, और उसके वचन का पालन करना है। ये बात हम वहां से पढ़ते हैं, पिछले इतवार को जो भी बात प्रभु ने हमें सुनाया वो हमारे ऊपर विशेष रूप से बरसाया गया एक अनुग्रह है, एक बहुत बड़े एक ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, एक वरदान है कि सब बिचवाई करने के लिए और परमेश्वर का अनुग्रह खींच कर ले आने के लिए मुर्दों और जीवित परमेश्वर के बीच में खड़ा रहने के लिए, लेकिन उसका पूरा आशीष अपनाने के लिए मुझे बने रहना अवश्य है। ये बात प्रभु इस इतवार को हमें याद दिलाता है। हम आगे पढ़ते हैं वही पुस्तक का 14वां अध्याय में से 10वां वचन पढ़ते हैं, 14th चैप्टर ऑफ जेरेमिया 10th वर्स। यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा है, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा ने इनसे प्रसन्न नहीं है, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं करुणामय परमेश्वर जरूर हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर इनके ऊपर अभी अनुग्रह बरसा नहीं सकता, क्योंकि उनका वर्तन सब उल्टा रख दिया है, रखा गया है। परमेश्वर के अनुग्रह बरसात की जैसा वो गिराया जाता बरसाया जाता था, उसको स्वीकारने के लिए मेरा बर्तन सही रहना, मेरा मुंह बंद नहीं रहना, खुदा देना कहते उनका धर्म के कारण नहीं है, उसके अहंकार के कारण नहीं है, मनमानी करने पे उन्होंने मन लगाया उसके कारण,
मैं उसके ऊपर अनुग्रह नहीं बरसा सकता, मैं उसके पाप और अधर्म के अनुसार करूंगा, ऐसा वो बोलता है, नहीं है। हम आगे बढ़कर उसका 17वां और 18वां वचन पढ़ते हैं, 17 and 18 verses। तू उनसे यह बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहते हैं, वे न रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही गुजरी गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते। समझ नहीं रखते मेरे लोग, परमेश्वर का दास ऐसा रो रहा, परमेश्वर भी रो रहा, ये बीच वही करने वाला मध्यस्थ परमेश्वर का दास परमेश्वर के संग रो रहा, पूरे देश में नाश और कष्ट और नष्ट और रोदन, नहीं है ऐसी अवस्था। याद करोगे तो पिछले इतवार को हम यही पुस्तक का 14वां अध्याय का यही अध्याय का 7वां वचन पढ़े थे। We had read the 7th verse of the same chapter last week. हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। पश्चाताप की विनती है। पिछले इतवार हमने ये वचन पढ़ा, अपने आप को अपने घुटने पे लाया, हमारे अपराधों को कबूल किया, माफी मांगा, लेकिन कुछ देर में सब कुछ भूल चुके। इसलिए आरंभ से पवित्र आत्मा हमें यह स्मरण दिलाता है कि बने रहना अवश्य है, चिपक के रहना अवश्य, हाथ के अधीन बने रहना अवश्य है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना अवश्य है, नहीं है, आदेश का पालन करना अवश्य है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम अब जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में चले जाते हैं, 9वां अध्याय से 8 से 12 तक पहले पढ़ते हैं, The book of Zechariah, the prophet, chapter 9, verses 8 to 12. तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गधही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गढ़े से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। परमेश्वर यहोवा का निर्णय सुन, मैं भड़क कर था, मैं बारंबार उसके आज्ञा तोड़ता, वचन का नादा करता, प्रभु ने हमें समझाया था ये मंदिर है, मंदिर में बने रहना अवश्य, परमेश्वर का मंदिर में बने रहना अवश्य, भवन छोड़कर नहीं जाना है, नहीं है, लेकिन अब प्रभु कहता है मैं लौट आएगा और उसके भवन के पास छावनी किए रहूंगा। प्रभु कहते हैं मैं आऊंगा, छावनी लगाऊंगा, नहीं है, नहीं है, अभी सताने वाला तेरे पास होकर नहीं आएगा, नहीं है, धमकी देने वाला नहीं आएगा, दुनिया का आकर्षण तुझे नहीं खींच लेगा, मैं आऊंगा, देखभाल करूंगा, एक पहरुए के समान छावनी लगाकर मैं रहूंगा, नहीं है। एसियो तू बहुत ही मगन हो, यरूशलेम तुझे जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता, तू उसके पास जाने वाली बात नहीं है, वो तेरे पास आता, जो चाहत रखता, जो निर्बल क्यों ना हो, पराजित क्यों ना हो, गिर पड़े क्यों ना हो, लज्जित हुए क्यों ना हो, प्रभु कहता मैं आऊंगा,
मैं देखभाल करने के लिए, तुझे सुरक्षित रखने के लिए मैं आऊंगा, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, वो नम्रता में आएगा, नहीं है? Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout aloud, O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you, नहीं है? Humble and mounted on a donkey, the fall of a donkey, हमारा राजा आ रहा है, आज पूरे विश्व में अब कलीसिया में आराधना ये नहीं चलता, अगर चलता हो तब तो ये घटना का स्मरण करते हुए त्योहार मनाते हैं। टुडे इज पाम संडे, जब यरूशलेम में परमेश्वर का पुत्र एक गद्दी और गद्दी का बच्चे के ऊपर बैठ के सवार कर कर यरूशलेम में प्रवेश किया, वो दिन का स्मरण करते हुए पूरे विश्व में आज वो दिन मनाना चाहिए था, लेकिन आज आप घर में बैठकर उसका स्मरण करते और परमेश्वर को धन्यवाद दे। यहाँ उसका तस्वीर पाया जाता है, कितने सदियों से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा भौतिक दत्ता को यह प्रकाशित दिया गया, वो आ रहा है, नहीं है? मैं फ्रेम कर रहे थे यरूशलेम के घोड़े को नष्ट करूंगा, युद्ध के धनुष में तोड़ डालेंगे, नहीं है? वो जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक वो प्रभुता करेगा। आमेन। वो राज करने आ रहा है, नहीं है? वो दुश्मनों को मिटाने पर है, नहीं है? हमें धमकी देने वाला, हमें हमेशा रुखाने वाला, परमेश्वर की ओर से हमें खींच लेने वाला, सारी शक्तियों के ऊपर वो अधिकार पाकर आया है, वो प्रभुता करने आया है, नहीं है? ए सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। ऐसे बंधन में मैं जरूर था, नहीं है? बंधुआई में जरूर था। प्रभु कहते चाहोगे मैं तेरा उद्धार करूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा तुझे छुड़ाने के लिए, मैं राजा बनकर आता लेकिन तेरे पास नम्रता में आता, नहीं है? नम्र होकर आता, नहीं है? ए आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। आमेन। आज ये मैं बताता हूं कि मैं तुझको बदल में दुगुना सुख दूंगा। प्रभु कहता है भूल जाओ वो दिनों को, भूल जाओ पराजय का दिन को, अधर्म के दिन को, नहीं है? भड़कने वाले दिन को भूल जाओ, आशा धर कर बने रहो, नहीं है? और आओ, कहां आने का है मुझको? गढ़ की ओर फिरो, ऊंचा गढ़ है वो हमारा चट्टान है, निरंतर आकर वास करने के लिए प्रभु यहोवा, तू मेरा सुरक्षा का चट्टान बने रहे, मैं आऊंगा। प्रभु कहता तू आओ, मैं आया हूँ, छावनी लगाकर मैं इंतजार करता हूँ, दुश्मन से नहीं डरना, समाज से संसार से नहीं डरना, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है, नहीं है? हम आगे बढ़कर उसका और दो वचन पढ़ता है, 16-17 पढ़ते, 16 and 17 also we read. उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा। अब ये मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे, उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दखमधु पीकर हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। अगर हम उससे चिपक करें, लौट कर उसके गढ़ में प्रवेश करेंगे तो प्रभु कहता आती ऊंचाई में मैं तुझे खड़ा करूंगा। शुरुआत में हमने भजन भी पढ़ा, हमारी ऊंचाई से हमें धक्का मारकर गिराने का प्रयास दुश्मन करता, नहीं है? प्रताप की देखकर कहता या आकर्षित कर कहता और कितने सुंदर पर्वत है, लेकिन मैं ये पर्वत को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब 11 में पढ़े था, अब प्रभु कहता मैं आकर मेरी प्रजा रूपी भेड़ बकरियों को मैं तुझे भेड़ बकरी जान कर तेरा उद्धार में करूंगा, नहीं है? इसलिए मैं राजा जरूर है लेकिन नम्र होकर तेरे पास आता, वे मुकुटमणि ठहरेंगे बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे, नहीं है? They will be like the jewels of a crown, they shall shine on his land. Hallelujah. हमारे देश में नहीं, परमेश्वर की ऊंचाई पे हम ऐसे चमकने लगेंगे, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं है? वो कितने क्या ही कुशाल, क्या ही शोभा उसकी होगी, उसके जवान लोग अन्न खाकर और उसकी कुमारियां नाया दाख मधु पीकर हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, नहीं है? हम वचन में नहीं पढ़े थे, जो उसके मंदिर में बने रहता, जो उसके
उसके उसके पंखों के छाव में बने रहता, वो ऐसे हृष्ट पुष्ट किया जाएगा स्वर्गीय भोजन से, इसलिए कि वो उसे चिपक कर रहते हैं। ये बात हमने देख लिया। अभी प्रभु कहते मैं आऊंगा, आज होसन्ना मनाता है लोग, प्रभु कहते मैं आता हूँ, राजा बनकर आता हूँ, चुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए आता हूँ, आओ और वेदर ऊंचाई को बढ़ा दूंगा, तू शोभायमान हो जाएंगे, मुकुटमणि समान तू चमकोगे, और सिर्फ तुम नहीं पूरा परिवार, पूरे खानदान, नहीं है कुमारो कुमारिया सब लोग, नहीं है आशीषित और अभिषिक्त किए जाएंगे, ये परमेश्वर की वायदा है। हम आगे बढ़ते हैं, हम मत्ती के सुसमाचार में आते हैं। We turn to Saint Matthew chapter 21 verses 6 to 11. मत्ती में आते हैं 21 अध्याय से हम पढ़ते हैं 6-11 तक। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यीशु एक अच्छा गुरु के समान है, चलता फिरता, लोगों की मदद करता, भूखों को खिलाता, बीमारों को चंगा करता, आंसू पोंछता। लेकिन आज उसने लोगों को कहा कि जाओ, नहीं है और ऐसी गद्दी और उसका बच्चा जो बांध कर रखे होंगे उनको खोल कर ले आना। हमने छठवां वचन में सब पढ़ा, चिन्हों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। अब तक यीशु उनके लिए अनेक कार्य करता आया, उनकी बिनती सुनकर, लोगों की बिनती सुनकर, चंगा करता, खिलाता, चुड़ाता। अब यीशु ने उनको कहा मेरे लिए यह कर। पिछले दिन भी हमने सुना, जैसा मैंने तुझे रूपरेखा दिया है वैसा ही बनाना। नूह ने वैसा ही जहाज बनाया, मूसा ने वैसा ही मेल मिलाप का तंबू को खड़ा किया, नहीं है सुलेमान ने वैसा ही परमेश्वर का मंदिर को बनाया। जब परमेश्वर के कहने पर हम बांधते हैं, परमेश्वर के कहने पर हम चलते हैं, परमेश्वर के आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं, परमेश्वर की महिमा प्रकट किया जाता है। आमीन। यहाँ उन्होंने वैसा ही किया, मुश्किल काम था उनका, नहीं है ये गद्दी और उसका बच्चा, वो औरों का है, वो उनको काट मत करने के लिए उधर उसको छोड़ कर रखा है, बांध के रखा है, क्योंकि ये बात हमने सीखा है, ऐसे जो गिरता है उसका गर्दन तोड़ कर उसको खत्म करना है, ऐसे उसको रखा है, इसलिए उसके ऊपर कोई बैठा नहीं है, उसको ऐसा रखा है। लेकिन प्रभु कहते उनको खोल कर ले आना। परमेश्वर के कहने में मुश्किल क्यों ना लगे, अगर हम कदम बढ़ाते तो प्रभु की महिमा हमारे लिए प्रकट किया जाएगा, इसे हम पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जब गद्दी और उसके बच्चे को उन्होंने लेकर आया, अपने कपड़े उनके ऊपर डालाया, नहीं है यीशु से कपड़ा मांग के नहीं लिया, नहीं है यीशु के लिए अपना सब कुछ अर्पण करता। जब मैं यीशु से विनती करता, यीशु से मैं भीख मांगता हूं, एक चीज होती है, जब मैं अपने आप को अर्पण करता और मैं मेरी चीज उसके लिए भेंट चढ़ाता है, तब प्रभु की महिमा और ऊंचाई में प्रकट होता। उन्होंने अपने वस्त्र को डाला, नहीं है मार्ग को तैयार किया, मार्ग में भी ऐसे
रस्सी डालिया और अपने ही कपड़ा बिछाकर उसने इसे एक रेड कारपेट वेलकम दिया राजा को, नहीं है। और भीड़ आगे आगे जाते पीछे पीछे चली जाती है, पुकार पुकार कर करती है, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है आकाश में होशाना। उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया। पहली बार भीड़ निकल कर आया, उनमें अनेक लोग बच्चे थे, अपने आप को खतरे में डाला। वो कहते कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है, नहीं है। होशाना होशाना ऊंचाई में होशाना, अपने आप को खतरे में डालकर यीशु के संग चिपक कर चलने वाली एक भीड़ को हम यहाँ देखते हैं। तब तक तो अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी 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 जरूरी चीजों के लिए यीशु के पास भीख मांगने के लिए आते थे, अब नहीं, अपना सब कुछ अर्पण करते हुए, हालेलुया, अपने प्राण को भी खतरे में डालते हुए, क्योंकि याजक लोग, महायाजक लोग, शासक लोग, वो बहुत क्रोधित होंगे, इनको खत्म करने का प्रयास करेंगे अगर यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार है। यह है होशाना, बोलो, चिल्ला चिल्ला कर कहता होशाना, परमेश्वर के पुत्र के कहने पर, उसके आदेश को मानकर, उसका वचन के अनुसार उन्होंने सब कुछ किया, उसे अधिक किया। कुछ लोग परमेश्वर को इतना डिलाइट करता, इतना प्रसन्न करता है। आगे आगे आकर हम पढ़ते हैं कि वो यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन करते थे उसको निकाल दिया, नहीं, ये बात हम वहां पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम यीशु के संग चलता, परमेश्वर का मंदिर साफ किया जाता, परमेश्वर के कहने पर चलता, वो हमारे संग हमारे साथ मंदिर में प्रवेश करता। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार कदम आगे बढ़ाओगे तो ये मंदिर हमेशा साफ किया जाएगा। हम आगे बढ़ते, उसका नतीजा क्या हुआ वो हम वहां से देखते हैं, नहीं है। उसका 16 वचन में ऐसा पढ़ता है, क्या तू सुनता नहीं है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों का मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। बात हमने जकरिया में पढ़ा है कि तुम्हारे कुमार लोग और कुमारी लोग अभिषिक्त होकर शोभायमान होकर मुकुटमणि समान चमकोगे, नहीं है। ये बात की पूर्णता अब हम देखते हैं। ऐसे बच्चे लोग कहां से आए मुझे पता नहीं, वो लोग अपने शहर छोड़कर, अपने गांव छोड़कर यीशु के संग चिपक कर चलता और उसे स्तुति गीत गाता, चिल्ला चिल्ला कर होशाना करता। प्रभु कहता, मुझसे चिपक कर रहोगे तो इतनी अद्भुत बात दुनिया के सामने तेरे मुंह में जो बल की नियुक्ति मैंने किया है वो प्रकाशित किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा, नहीं है। उसका ही 19वां वचन में वैसे पढ़ते हैं, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देख सब, आप अंजीर के एक पेड़ देखकर उसने कहा कि पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उसने कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, अंजीर उसका काम का नहीं था। पत्ते बहुत थे, दिखावट बहुत था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र के काम का नहीं। चेला लोगों ने अपना जीवन को खतरे में डालकर जाता और जाके ऐसे जानवर को खोल कर लेकर आता, अपना वस्त्र और अनेक लोग अपना वस्त्र उसके ऊपर डालकर, नहीं है, पूरे रास्ते पे अपने इतने महंगा वस्त्र डाल देता, बचाता नहीं है, और चिल्ला चिल्ला कर यीशु के लिए होशाना गाता, नहीं है। यहाँ एक वृक्ष खड़ा है, उसके बाद एक वृक्ष खड़ा है, उसमें यीशु के लिए कोई फल नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा कि जब वो ढूंढ कर आता मुझमें कोई फल नहीं मिला, परंतु अब चेला लोगों की तरह वो बालकों की तरह हो जाए, चिल्लाए यीशु के लिए, चिपक के रहे, माने कि वो ही हमारा राजा है, वो सिर्फ एक गुरु नहीं है, कुछ दयालु परमेश्वर नहीं, सिर्फ नहीं, परमेश्वर का दास नहीं है, वो हमारा राजा है, हमारे ऊपर राज करने के लिए, उसकी प्रभुता मेरे जीवन में बने रहने के लिए मैं मेरा सब कुछ और अपने आप को दूंगा। यह है होशाना, यह है
हॉसाना, तो प्रभु कहते मैं आऊंगा, नहीं छावनी लगाकर बैठूंगा मेरे मंदिर के पास, मैं तुझे सुभाईमान बनाऊंगा, तेरे पूरे परिवार को, तेरे खानदान को मुकुट मणि सा बनाऊंगा। ऐसे परमेश्वर का पुत्र का वायदा है। हम आगे बढ़कर यूहन्ना के सुसमाचार के 15 अध्याय में आता है। We move on to John's Gospel, chapter 15, and read the first 8 verses. सच्ची दातुए का मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझमें है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यीशु मैं सच्ची दाखलता। आमीन। मेरा पिता के साथ जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता। ये डाली उसमें उसमें है इसलिए कहता कि काट डालता, अर्थात उसमें बने रहता तो समर्पित किया तो आज्ञा पालन करता तो फलवत होता था। अब आज्ञा का उल्लंघन करता बिकॉज ऑफ रिबेलियन, बिकॉज ऑफ हिज डिसोबीडियंस आई एम नॉट एबल टू बेयर फ्रूट। दाखलता में ही बना है बना तो काट दिया जाएगा, नहीं है इस्लाम। लेकिन जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो फले। परमेश्वर से ताड़ना सहना हमारी धन्यता है। चेस्टनिंग ऑफ द लॉर्ड इज फॉर आवर ब्लेसिंग, इज आवर ब्लेसिंगनेस। आमीन आमीन। ताकि हम अधिक फलवंत बन जाए, नहीं है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। ऐसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते, नहीं है। कहते मैंने तुझे मेरे वचनों से शुद्ध किया, तीसरा वचन में कहता मैंने तुझको शुद्ध किया है, नहीं है। ये दाखलता के साथ तो जोड़ भी दिया है, नहीं। लेकिन तू अपने आप फलवंत नहीं हो सकता, मैं तेरी सहायता करता हूं। यही प्रॉमिस, यही वायदा हमने जुना पुस्तक में पढ़ के आए, जुना नियम में पढ़ के आए, मैं सहायता करूं, मैं तुझे ऊंचे स्थान पे खड़ा रखूंगा, तू फलवंत होंगे, तू सौभाग्यवान होंगे, मुझ में बने रहे तो। प्रभु बारंबार बारंबार हमें याद दिलाता, जब तक हम बने नहीं रहता उसकी आशीष की पूर्णता हम प्राप्त नहीं कर सकता। बिचवई के कारण जो अनुग्रह यीशु मसीह की जो बिचवई है, जो निरंतर हमारे लिए पिता के सम्मुख किया जाता है, उसे अनुग्रह मुझे प्राप्त करने के लिए बने रहना, चिपक कर बने रहना अवश्य है। मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके वचन से हट कर, पवित्र आत्मा के हाथ से अपने आप को हटा कर, हम कभी फलवंत नहीं हो सकता, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। जैसे वो अंजीर का वृक्ष का कहानी देखा अभी, नहीं है, उसमें फल नहीं है, दिखावट बहुत है, नहीं है, क्योंकि उसको खत है, उसको अच्छा पानी भी मिल रहा है, नहीं है, लेकिन वो हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा, नहीं है। लेकिन परमेश्वर का काम का नहीं है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक के देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहते मुझ में बने, मेरे वचन तुझ में बने, तब मेरा सोच, मेरा आग्रह, सब कुछ उसके हित के अनुसार होगी। तब मैं मांगूंगा, पवित्र आत्मा में मांगूंगा,
स्वर्ग की गीत क्या सर मांगूंगा और पूर्णता में मैं प्राप्त करूंगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। पिता परमेश्वर तब महिमा पाएगा हमारे कारण, हम फलवंत होने के कारण प्रभु महिमा पाएगा। कुछ बच्चे लोग आए चिल्लाने लगे, लोग आकर कहते तू नहीं सुनता क्यों, बोलते क्या तुमने नहीं पढ़ा है इन बच्चों के विषय में, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, मैं उनका मुंह में बल की नियुक्ति की है, उनके कारण में महिमा पाऊंगा। नहीं है हमारे जीवन ऐसा हो, मेरे कारण, इस जीवन के कारण, मैं उसमें बने रहने के कारण, उसको वचन को पूरा दिल में संभालते रखा है उसके कारण प्रभु महिमा अधिक महिमा पाए। यीशु कहते कि पिता परमेश्वर महिमा पाएगा अगर तुम बहुत सफल लाओ तो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। उसमें चिपक कर रहने वाला, फलवंत होकर रहने वाला, प्रभु कहते मैं तुझको फलवंत बना दूंगा अगर तू बने रहोगे तो। नहीं है इफ यू क्लिंग ऑन टू हिम इट इज हिज प्रॉमिस दैट ही विल कॉज अस टू बी फ्रूटफुल एंड कॉज अस टू बेयर मच फ्रूट। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, हम पहली तिसुनी की पत्रिका में आते हैं, पांचवा अध्याय में आते हैं, रोमियो में आएंगे, पहली तिसुनी में आता है, उसकी पहली पत्रिका में पांचवा अध्याय से 16 से 24 तक पढ़ते हैं। वन थिस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16-24। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रखो। निरंतर बने रहना है, नहीं है? हाँ। निरंतर बने रहना है। हाँ। प्रार्थना में बने रहे। हाँ। नहीं है? सब प्रकार प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझना। आप पवित्र आत्मा के अधीन बने रहते, ये आत्मा को बुझने नहीं देगा। बुझने देने का अर्थ है उसको हम स्वतंत्रता से राज करने नहीं देता, हम हमारी मनमानी करता, हमारी इच्छा के अनुसार चलता, तो आत्मा चुपचाप होकर एक कोने में बने रहता। नहीं है? इसलिए कहते रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग। नहीं है? डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट ऑफ गॉड, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। नहीं है? निरंतर बने रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हम बने रहेगा तो, इस दाखलता में बने रहेगा तो, प्रभु से लिपटे रहेगा तो, चिपक कर रहेगा तो, प्रभु को उपस्थिति नहीं छोड़ेगा। If you choose to abide in this vine, if you listen and obey to His word and His counsel, वो कहते हैं कि अंत तक प्रभु मसीह में हम सुरक्षित और आनंदित रखा जाएगा। नहीं है? सिर्फ आत्मा नहीं, प्राण और देह भी। नहीं है? वो कहता है कि you will be kept safe and secure and rejoicing in the spirit, your body, your soul and your spirit। Amen. Yeah. Amen. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वही सही करेगा। हमें बहुत मेहनत नहीं करना, हमें बहुत बहुत साहस नहीं करना, प्रभु कहता है जिसने तुझे बुलाया है वो भरोसमय है। Amen. वो करेगा। Amen. हमें इच्छुक है तो वो करेगा। Amen. If I am willing, he is more than willing. नहीं है? He who called you is faithful and he will surely do it. He will surely do it. नहीं है? Amen. हम आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़कर दूसरी थिस्सलुनी में आता, उसका दूसरा अध्याय का 15 पढ़ता। वी मूव ऑन टू सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्स 15 ऑनवर्ड्स। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो
और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। कहते मसीह की, उसके पहले का वचन पढ़ेगा तो मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में हम बुलाया गया है। आमीन। उसके बाद हम वचन में पढ़ते, इसलिए है भाइयों स्थिर रहो, जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। जो वचन प्रभु ने पिछले दिनों में हमें सुनाया, जो सलाह प्रभु से हमने पाया, और उसके ते मेरे द्वारा तुमको जो भी सलाह जो वचन दिया गया उसमें स्थिर बने, उसको खुशी से स्वीकारना एक बात होती है, कुछ दिन उसके अधीन बना के रखना एक बात होती है, निरंतर बने रहना अवश्य है, तब हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर कहता है अनंत शांति देने के लिए मैंने तुझे चुन लिया है, अनुग्रह की बरसात उतारने के लिए मैंने तुझे चुन लिया है, तुम्हारे मनो में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। It is He who is going to establish me in the world and for every good work. सारे अच्छे काम के लिए, भला काम के लिए, फलवंत होने के लिए और वचन में दृढ़ बने रहने के लिए प्रभु मुझे समर्थ देता। पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर कहता पवित्र आत्मा मुझे में वास करने के कारण वो हमें दृढ़ करेगा, स्थिर रखेगा और हम फलवंत जरूर होंगे। ये बात हम वहां से सीखे। उसके बाद हम आगे बढ़कर पहली तिमोथी में आते हैं। पहली तिमोथी पहला अध्याय में हम नजर डालते हैं। पहली तिमोथी 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 18 एंड 19। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। ए तिमोथी मेरे बेटे, तिमोथियुस मेरे बेटे, यही सब भविष्यद्वाणी की गई तुम्हारे ऊपर नहीं है? हाँ। और जो बात की आज्ञा मैंने तुझको दिया है उसके अनुसार अच्छी कुश्ती लड़ते रहना नहीं है? लड़ते रहना, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहना नहीं है? कुछ लोगों ने वो छोड़कर दूर चले गए नहीं है? कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जहाज में बने रहोगे, प्रभु के संग चिपक कर रहोगे, डूबोगे नहीं, डूबेगी मिटोगे नहीं, नहीं है? प्रभु सुधी लेता, जो जहाज पर निरंतर बने रहता उसकी सुधी प्रभु लेता। इसलिए तिमोथियुस बने रहा, लड़ते रहा नहीं है, स्थिर रहा। जो भविष्यद्वाणी के द्वारा मैंने तुझे सुनाया है, जो आदर्श मैंने दिखाया है, जो वचन मैंने तुझको दिया है उसके अनुसार निरंतर प्रभु में बने रहा, ऐसे प्रभु का आह्वान है पौलुस के द्वारा नहीं है? हम आगे बढ़कर उसका चौथा अध्याय में आते हैं। वी मूव ऑन टू द फोर्थ चैप्टर ऑफ द सेम लेटर 1 तिमोथी चैप्टर 4 14 ऑनवर्ड्स। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चिंत मत रह, इस बातों को सोचते रह और इन्हें में अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगढ़ हो, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। बिचवी का आशीष और अनुग्रह तूने बहुत पाया है नहीं है? प्राचीनों का हाथ रखने के कारण तुझमें ऐसा वरदान है, ऐसा अभिषेक है नहीं है? उसको प्रज्वलित करते रहना नहीं है? उसका लापरवाही न करना नहीं है? इस बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो जाए, महिमा दिखाई देगा, ऊंचाई में और अति ऊंचाई में खड़ा किया जाएगा, तुम सौभाग्यवान होंगे औरों के सामने परमेश्वर की महिमा आपके और मेरे मुंह से तब प्रतिबिंबित होंगे जब हम उसको वचन को मजबूती से पकड़ कर
आज्ञा पालन कर कर पवित्र आत्मा के अधीन अभिषेक के अधीन अपने आप को रेखते हैं, नहीं है? ऐसे हम पढ़ते हैं और कहते हैं ऐसा करने से ना तू अपने आप को बचाएगा सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कार्य करेगा। ओह व्हाट अ ब्लेस्ड स्टेटस इट इज, हालेलुया, कितना सुंदर अनुभव है। मैं सिर्फ मुझ पर अनुग्रह बुलाकर नहीं लेकर आता, अनेकों के लिए तब मैं अनुग्रह का कारण बनूंगा, उद्धार का कारण बनूंगा, नहीं है? उसका तीसरा अध्याय से 14 से हम पढ़ते हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 3:14 ऑनवर्ड्स। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। As for you, continue in what you have learned and have firmly believed. जो वचन तुझे सुनाया गया, बीते हुए दिनों में जो वचन सुनाया गया, जिसके ऊपर आपने दृढ़ता से विश्वास भी किया, उसमें बने रहो, नहीं है? बचपन से तूने वचन सुन के आया, नहीं है? हमारी मसीही जीवन की शुरुआत से प्रभु हमें वचन सिखाता है, प्रभु हमें उसकी दिल की बात प्रकाशित करके देता है, कहते उसमें बने रहो, स्थिर बने रहो, नहीं है? क्योंकि that is able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. वो तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा, हालेलुया, उद्धार प्राप्त करने के लिए वो बुद्धिमान बनाएगा, नहीं है? आमीन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसके लिए काफी है, नहीं है? आमीन। हमारे उद्धार के लिए सिर्फ नहीं, अति ऊंचे स्थान में खड़ा रहने के लिए, फलवंत होने के लिए, नहीं है? आमीन। निष्कलंक और निर्दोष रूप से अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने पेश किया जाने के लिए ये वचन काफी है, उसमें बने रहना है, नहीं है? उससे हम सिद्ध किया जाएंगे, हर भले काम के लिए हम तत्पर हो जाएंगे। With this scripture, the man of God may be competent, equipped for every good work. हम आगे बढ़कर हम इब्रानी में चले जाते हैं, इब्रानी 3 से 6 वचन पढ़ते हैं, Hebrews chapter 3 verse 6। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमें स्थिर रहना है, हमें मसीह परमेश्वर का घर का अधिकारी, हाँ, नहीं है? हाँ। उसका घर हम है, और एक बार हमें याद दिलाता, नहीं है? ऐसा, और हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। We are His house, नहीं? Yes. And Christ is faithful over His house, नहीं? हमें। If only we held fast our confidence and our boasting in our hope, नहीं है? Yes. हम बने रहे तो वो ये घर का देखभाल करेगा, नहीं है? ऐसा वो कहता। 14 से हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, अंत तक हम दृढ़ता से स्थिर रहे तो हम उसके भागीदार हैं, नहीं है? We have come to share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end, नहीं है? अंत तक दृढ़ता से बने रहेगा तो हम उसके सहभागी बने रहे। पिछले द्वार को प्रभु ने हमें याद दिलाया, तुम सहकर्मी हो, सहभागी हो, ऐसे कहते यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, उसका वचन के सामने अपने आप को अर्पण करते हैं, नहीं है? हम पश्चाताप करते हैं, जैसा कि क्रोध दिलाने वाली समय पुरखों ने किया था वैसे तू नहीं करना। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सबों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, छुटकारा जरूर पाए थे, नहीं है? हृदय को कठोर करने के कारण, मूसा के विरोध करने के कारण,
नाश हो गए थे, नहीं है ऐसा नहीं है, हम स्थिर रहेंगे, नहीं है आशीष को पूर्णता में पाएंगे, फलवंत होंगे, पिता परमेश्वर महिमा पाएंगे और प्रभु की महिमा हमारे मुंह से प्रतिबिंबित होते रहेंगे, हम सुखायमान होंगे। चतुर्थी आयत का 11 पढ़ते हैं, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हमारी चाहत यह है तुम्हें से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहना। ये विषय में परमेश्वर का आग्रह यह है, नहीं है? शिक्षा 11 में हम ऐसे पढ़ते हैं, सॉरी 11 में है ना, 11 में पढ़ते, पर बहुत चाहते हैं कि तुम्हें से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करें। We desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the very end। नहीं, ऐसे हम पढ़ते, उसके बाद हम उसका 12 में पढ़ते हैं कि ताकि तुम आलसी ना हो वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होता है। हम ऐसे लोगों के अनुकरण करेंगे, आलसी लोगों के नहीं, नहीं प्रभु, ठट्ठा उठाने वाले लोगों की नहीं, वजन से हट कर चलने वाले लोगों के नहीं, दृढ़ता से वजन में बने रहकर परमेश्वर से चिपक कर रहकर, नहीं है, पूर्णता में उद्धार पाए हुए लोग उनका अनुकरण हम करते हैं और पूरे वायदाओं को अपनाए हुए ऐसे लोगों का पीछे हम करते हैं, ऐसा वहां से पढ़ते। उसके बाद हमें 10वें अध्याय में जाना, 23वां वचन पढ़ना। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया, जिसने प्रतिज्ञा किया है, जिसने वायदा किया है वह भरोसेमय है, सच्चा। आइए हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful। Yes, वह भरोसेमय, आमीन, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम स्थिर रहने के लिए से उसे उसको उसके चिपक कर रहने के लिए, उसके संगति में बने रहने के लिए, पवित्र आत्मा का अधीन बने रहने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को और एक बार समर्पित करें। yes। आज समाप्त करने से पहले दो वचन हम प्रकाशित वचन से देखते हैं। प्रकाशित वचन का 2 अध्याय में का 25वां वचन ऐसा है, 2 अध्याय का 25, Revelation chapter 2, 25 reads like this, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। Only hold fast what you have until I come। बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ संपत्ति नहीं है, बहुत कुछ सामर्थ्य नहीं है, वचन है, अभिषेक है, थामे रखो, अंत तक थामे रखो, वो काफी है। बहुत कुछ जानकारी नहीं है चलेगा, बहुत कुछ साहस नहीं कर पाता चलेगा, अंत तक जो तुमने पाया है, जैसे पौलुस तिमोथियुस को कहा, तस्लोनिकियों को कहा कि पकड़ के मजबूती से बने रहो, नहीं है? उसी में से और एक वचन हम पढ़ के आज खत्म करते हैं। 3 अध्याय में से 10वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षक के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रभु कहते हैं तू थामे रहोगे तो, स्थिर रहोगे तो, ऐसी आने वाली पीड़ा से मैं तुझे सारे दुनिया वाले को सताने के लिए ऐसा जो दंड दिया जाएगा, पीड़ा आया जाएगा, उसमें से मैं तुझे बचा कर रखूंगा, बने रहो, वचन को थामे रहो, नहीं है? 11 में कहते मैं शीघ्र ही आने वाला, जो कोई तेरे पास से उसे थामे रहा हाँ। कि कोई तेरा मुकुट छीन ले। प्रभु कहता मैं तुझको मुकुट मनी समाज सफाई मन शामिल, हम उसको नष्ट होने नहीं। परमेश्वर की आत्मा आज हमें याद दिलाता बने रहोगे। I am coming soon, hold fast what you have so that no one may seize your crown। हमारा मुकुट कोई न छीन ले। हम आते हैं
अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, उसका वचन का तीन अवय कर देते हैं, उसका समीप आकर उसे चिपक कर बने रहते हैं, draws us nearer to him, cling on to him, hold fast to the word that we received and the counsel that we received. And he is coming soon. वो जल्दी आने पर है. हाँ प्रभु, हमें तैयार भी कर. हम अपने आप को झुका कर तेरे हाथ में सौंप देते हैं. प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए थैंक यू. हम याद करते हैं उस दिन प्रभु, चले लोग जब गद्दी और गद्दी का बच्चा को लेकर आए, यीशु तो उसके ऊपर राजा के रूप में बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, पूरे शहर हिल गया और मंदिर साफ किया गया और अनेक अंधे और बहरे और लंगड़े चंगा किया गया और पूरा शहर ये जान लिया कि तू मसीह है. आमीन. परमेश्वर मां की मां पाया. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा कुछ. आमीन. हम अपने आप को अर्पण करेंगे, तेरे आज्ञा के अनुसार करेंगे. आमीन. तू कहता मैं सहायता करूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे फलवंत बनाऊंगा, अति ऊंचे स्थान पर मैं खड़ा करूंगा, तू सुभाईमान होंगे, मुकुट मनीषा हम बने रहेंगे प्रभु तेरी सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से. We surrender our lives once again, O Master, to Thy counsel, and we'll remain submitted, O Master, to the Holy Word, and may the Holy Spirit lead us on and cause us to stand always on the high places, heavenly places, O Master, and bear much fruit for the glory of God. Teri sahayata se hoga, ant tak prabhu, tu hame balavant banakar, hame sthir rakhega, hum tere hain. Yes. Mahima ho, tir. यीशु के बेटे नाम से मांगता आमीन. पिता परमेश्वर का सी प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्ति दादा ये यीशु मसीह की कृपा, बहुत कायस्य अनुग्रह, चंगाई का साथ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगदी सकभागिदा और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार, हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, और जितने भी व्यक्तियों के लिए विषयों के लिए हमने प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे के साथ, कितने भी दूर के और समीप के, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नाम, खास करकर ये महामारी के कारण तड़पने वाले लोग, उसकी सहायता करने वाले लोग, उसके साथ हमारे सारे नेता लोग और विश्व भर के सारे ऐसे पीड़ित लोग, दुखी लोग, परेशान लोग, उन सबों के साथ और परमेश्वर के दास दासियों के साथ, खास करके अनेक तरह की पीड़ाओं से गुजरने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुत्र आगमन तक निरंतर बने रहे. आमीन. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद सुख शांति से सुरक्षित रख बने रहे यीशु और उसके वचन में पवित्र आत्मा के अधीन. धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू. आमेन.